टोक्यो पैरालंपिक 2020 का समापन हो गया है। इसमें भारत ने 5 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते हैं। भारत का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 से सभी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला है कि पैरालंपिक 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो यह टोक्यो जापान में किया गया। इसका आंसर है टोक्यो जापान। क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 का कौन सा संस्करण है, तो ये टोक्यो पैरालंपिक 2020 का यह 16वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं, पैरालंपिक का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, तो यह पैरालंपिक का 15वां संस्करण यह रियो डी जेनेरियो 2016 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर चार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चार है, पैरालंपिक का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो यह पैरालंपिक का 17वां संस्करण यह पेरिस में किया जाएगा जो 2024 में होगा। क्वेश्चन नंबर पाँच है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आयोजन कब किया गया, तो यह 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक किया गया। ये होना था 2020 में लेकिन कोरोना वायरस के कारण से यह स्थगित कर दिया गया और ये 2021 में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक यह किया गया है, जो कि यह समापन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छः है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कितने देशों ने भाग लिया, तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में यह 163 देशों ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर सात है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 163 देश में कितने खेलों में भाग लिया, 163 देशों ने यह 22 खेलों में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत की ओर से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो यह भारत की ओर से टोक्यो पैरालंपिक में 54 खिलाड़ी भाग लिए। इसका आंसर है 54 खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर नौ है, टोक्यो कितने वर्ष बाद पैरालंपिक खेलों को दूसरी बार आयोजित करने वाला पहला शहर बन गया है, तो यह बन गया 57 वर्ष बाद बन गया। इसका आंसर है 57 वर्ष बाद। क्वेश्चन नंबर दस है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर क्या है, तो यह 2020 का शुभंकर टोक्यो पैरालंपिक का यह सोमाइटी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो यह पहला स्वर्ण पदक यह पैग ग्रीको ने, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, यही ने पहला स्वर्ण पदक टोक्यो पैरालंपिक में जीता। क्वेश्चन नंबर 12 है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता, तो यह सबसे ज़्यादा पदक यह चीन ने जीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा, तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत का स्थान 24वां रहा, जिसमें 5 स्वर्ण पदक सहित 19 पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन है, तो यह टेक चंद है, जो भाला फेंक से संबंधित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, तो ये भारत के लिए पहला पदक यह जीता, तो यह भवीना बेन पटेल टेबल टेनिस से हैं, जो रजत पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो यह पहला स्वर्ण पदक जीता, तो ये अवनी लेखरा ने जीता, जो शूटिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की पहली नौकायन खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये प्राची यादव, ये नौकायन खिलाड़ी ये बनी है 2020 में भारत की। क्वेश्चन नंबर 18 है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, ये भारत ने 19 पदक जीते, जिसमें 5 स्वर्ण 8 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के किस खिलाड़ी का पदक अघोषित कर दिया गया, तो यह 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में यह विनोद कुमार, जो डिस्कन थ्रो से जो कांस्य पदक मिला, उसको मतलब कि अघोषित कर दिया गया। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पैरालंपिक में भारत को तीरंदाजी में पहला पदक किसने दिलाया, तो यह हरविंदर सिंह ने, जो कांस्य पदक जीता है, इसका आंसर है हरविंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 21 है, पैरालंपिक में भारत को बैडमिंटन में पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया, तो यह बैडमिंटन में ये प्रमोद भगत ने दिलाया, इसका आंसर है प्रमोद भगत। क्वेश्चन नंबर 22 है, पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन बने हैं, तो यह पहले आईएएस अधिकारी यह बने हैं सुहास यतिराज, जो रजत पदक जीते हैं, ये बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक में प्रथम बार किस गेम को शामिल किया गया, तो यह बैडमिंटन व ताइक्वांडो को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, टोक्यो पैरालंपिक में पहली बार कितने देश पहली बार भाग ले रहे हैं, तो 5 देश है जो पहली बार भाग ले रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 की थीम क्या है? तो ये 2020 की थीम है पंखों से उड़ान। क्या है? तो पंखों से उड़ान। क्वेश्चन नंबर 26 है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह की भारतीय ध्वजवाहक कौन है? तो यह अवनी लेखरा है। कौन है? तो अवनी लेखरा है। तो दोस्तों ये टोक्यो पैरालंपिक से जितने भी क्वेश्चन बने हैं सभी का डिस्कशन कर लिए हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल पर आपको करेंट अफेयर्स, डेली करेंट अफेयर्स मिलेगा और स्ट्रेटेजी से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा।